अपन लेट हो जाएंगे आज। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। चलो, कल के सारे केसेस समझ में आ गए रोहित? यस मैम, यस मैम, सॉरी मैम। तो आज नेक्स्ट चले। देखो तो आज आज वैसे आई थिंक तुम दो ही हो, क्योंकि हर्ष तो भूल गया था। देखो आज अपन जो केस स्टडीज करेंगे ना, ये केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन मॉडल रिस्क एंड रोग ट्रेडिंग, ठीक है। पहली दो जो अपन करेंगे, जो अपनी पहली वाली होगी ये निदरहॉफर केस है ना, ये रोग ट्रेडिंग जैसी है, ठीक है। इट्स लाइक रोग ट्रेडिंग। देन इसके बाद अपन करेंगे LTCM, इट्स कंप्लीटली मॉडल रिस्क, ठीक है। देन ये कहा गया अपना, हाँ ये दिस इज रोग ट्रेडिंग, और इसके बाद वाले वो भी रोग ट्रेडिंग है, ठीक है। मॉडल रिस्क का तो ये LTCM ही है। तो अभी पहले तो ये एक छोटी सी केस स्टडी अपनी, ठीक है, एकदम निदरहॉफर केस की है। इसमें क्या है, विक्टर निदरहॉफर वाज सक्सेसफुल हेज फंड ट्रेडर, ठीक है। ही वाज अ सक्सेसफुल हेज फंड ट्रेडर, ये याद रखना, दैट ही वाज अ हेज फंड ट्रेडर। देन ही डेवलप्ड, ये क्या करता था ना, व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज ही यूज्ड टू ट्रेड इन OTM ऑप्शंस। अभी शुड वी ट्रेड इन OTM ऑप्शंस, यस और नो? मेजरली लोग ओटीएम मतलब ओवर द इन द ओवर द OTM, मार्केट ना, जस्ट अ मिनट, ओवर द मार्केट इन नहीं, आउट ऑफ द मार्केट, आउट ऑफ द मार्केट। आउट आउट ऑफ द मार्केट भी नहीं, आउट ऑफ द मनी होता है वो। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ लेट मी रिप्लाई। मी चेक। अच्छा नहीं, 2 मिनट। मुझे कोई को होस्ट बनाना ही भूल गया। बना देंगे, चलो अपन चालू करते हैं। हाँ हो गया, अभी हो गया, रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है, ठीक है चलो। अभी चालू करते हैं। ये ना इन द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, मैं दोनों कॉल और पुट के लिए बता देती हूँ। ये बुक बुक थ्री कर ली तुम लोगों ने, तो मैं अभी तक OTM ITM ऑप्शंस नहीं पता, व्हाट आर दे, OTM पुट, OTM कॉल, पता है ना? तो मतलब मुझे एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आगे बढ़ू ना। देखो मोस्टली ना इन द मनी ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें ही ट्रेडिंग होती है, ठीक है। जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं ना इन द मनी में करते हैं, जो भी OTM में कर रहा है ना, इसका मतलब दे आर ट्रेडिंग फॉर स्पेक्यूलेशन। क्योंकि OTM में कौन ट्रेड करेगा, OTM मीन स्ट्राइक प्राइस से बहुत दूर हो जाता है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस के या तो पास, या तो जो भी है इन द मनी आउट द मनी के हिसाब से, जो पुट और कॉल में होता है ना, तो ये क्या कर रहा था, ये आउट द मनी पुट में ट्रेड कर रहा था। देखो यहाँ पे लिखा है दैट ही वॉज ट्रेडिंग, ही वॉज ही वुड राइट वेरी, राइट मतलब क्या, शॉर्ट पोजिशन लेता था, ठीक है। ही वॉज टेकिंग शॉर्ट पोजिशन इन डीप OTM पुट पुट ऑप्शन, ठीक है। और ये क्यों लेता था डीप OTM पुट ऑप्शन में, सिर्फ इसलिए लेता था टू गेट द प्रीमियम, ठीक है, टू रिसीव द प्रीमियम। तो प्रीमियम जो होता था ना, वो इसका प्रॉफिट होता था। लेकिन ये क्या सोचता था, जो शॉर्ट करता है ना पुट में, जो शॉर्ट कर रहा है वो क्या सोच के करता होगा। देखो जब हम लॉन्ग करते हैं पुट में, तो क्या हम सोचते हैं, पहले मुझे ये बता दो, जब हम लॉन्ग करते हैं पुट में तो वो हम क्या सोचते हैं? प्राइस गिरेगा। प्राइस गिरेगा, ठीक है।
जब शॉर्ट करते हैं तो हमारा ये होता है कि प्राइस बढ़ेगा, इट्स लाइक कॉल, ठीक है। अब आगे बढ़ते समझ में आएगा। ये क्या करता था, डीप आउट द मनी में, आउट द मनी पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर, शॉर्ट पोजीशन लेता था और S&P 500 इंडेक्स पे लेता था। अब ये क्या, एज लॉन्ग एज डेली ड्रॉप इन S&P वाज लेस देन 5%, ठीक है। जब तक S&P में 5% से नीचे कुछ गिर नहीं रहा था ना, 5% मैक्स लिमिट था, तब तक वो क्या, ही वॉज कैप्चरिंग स्मॉल प्रीमियम्स, स्मॉल प्रीमियम्स जो ये OTM पुट के होते थे, तो उसको तब तक मिल रहा था, तब तक एवरीथिंग वॉज गुड, क्योंकि सिर्फ 5% मार्केट गिर रहा था। लेकिन एक टाइम आया, हिस्टोरिकली देखो, हिस्टोरिकली दिस 500 थ्रेशोल्ड वॉज वेरी रियलिस्टिक, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं सोचता ना मार्केट में ये सब करते वक्त कि अरे मार्केट कभी एकदम से कुछ गिर जाएगा या फिर कुछ एकदम से बहुत बढ़ जाएगा। लोग नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से यही सोचते होंगे, अरे 5% गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा, कभी ज्यादा से ज्यादा गिर गया तो भी 10 गिरेगा, उससे ज्यादा तो नहीं गिरेगा। तो इसने क्या, अज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5% डिक्लाइन वुड शुड हैव बीन नियरली नियर इम्पॉसिबिलिटी इन मिड 1990s, ठीक है। हाउएवर इन अक्टूबर 1997, ठीक है, ये सब चल रहा था, लेकिन अक्टूबर 1997 में क्या हुआ, क्राइसिस इन एशिया स्पिल्ड, ठीक है, एशिया में पूरा क्राइसिस स्पिल हो गया, और इट वाज इन यूएस आल्सो, यूएस मार्केट्स में, और एक दिन में 5% की जगह 7% पूरा इंडेक्स गिरा, ठीक है, कोई स्टॉक नहीं, पूरा इंडेक्स गिरा। और 5% से 7% इंडेक्स गिर जाना मतलब बहुत बड़ी बात हो क्या। सात परसेंट का इंडेक्स गिरा इन सिंगल ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। या तो धीरे धीरे गिरता है, तो हम, मैंने क्या बोला, 5% से 10% गिरना ही बहुत बड़ी बात है, और वो भी अगर धीरे धीरे गिरता है तो चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या, एक ही दिन में कुछ घंटों के अंदर ही 5% से 7% पूरा इंडेक्स गिरा था, ठीक है, पूरा इंडेक्स। और इसका क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया कि उसको 50 मिलियन का मार्जिन कॉल आया, ठीक है, $50 मिलियन का मार्जिन कॉल आया, जो कि निदर हॉफर नहीं बेर नहीं कर पाया, ठीक है, ही वॉज नॉट एबल टू मीट द कॉल, ये वो इतना मार्जिन कॉल नहीं दे पाया। और फिर हिज फंड ब्रोकर्स, क्योंकि वो किसी के लिए काम कर रहा था, तो लिक्विडेटेड ऑल पुट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उनका जो भी इन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी ना, इसको इन लोगों ने बाय करे पुट ऑप्शन, और उन लोगों ने बंद किया ये, बट इसकी वजह से उनको बहुत बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ था, विच लॉक्ड, हाँ, विच लॉक्ड सब्सटेंशियल लॉसेस एंड वाइप्ड आउट एंटायर फंड्स इक्विटी पोजीशंस। और फिर इससे क्या लेसन लर्न हुआ है, द लेसन टू बी लर्न इज दैट अजम्पशंस कैन बी फ्लॉड एंड दैट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स आर नेवर नेवर ऑफर अ फ्री लंच। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे क्या लेसन हमने सीखा कि हम ये सोच के चल रहे थे कि सिचुएशन हमेशा नॉर्मल रहेगी, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं हुआ है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यू आर थिंकिंग कि अभी सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, एंड जब वो रॉन्ग जाती है ना, तो आपके बहुत सारे लॉसेज होते हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर लॉसेज। ये लोग क्या करते थे ना, इनके मार्जिन कॉल आते थे ना, दे वर नॉट रेडी कि वो मार्जिन कॉल का पैसा कैसे भरे, और जो उनको मार्जिन कॉल आते थे ना, वो बहुत ज्यादा आते थे, थोड़ा बहुत होता है तो वी कैन बेयर, लेकिन जो जब ज्यादा होता है तो वी कैन नॉट बेयर, ठीक है, समझ में आया। अरे शिवम, इतने शांत क्यों? शिवम, शिवम कुछ बोल क्यों नहीं रहा है आज? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। LTCM, LTCM ना इज वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। यहां से नहीं करने वाले, यहां से करेंगे। देखो, इट्स बेस्ड ऑन मॉडल रिस्क, इसका नाम है लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। अब ये जो LTCM का जो मॉडल था ना, ये मॉडल ना बहुत बड़े बड़े लोगों ने बनाया था, ठीक है, मॉडल वाज मेड बाय, ये हेज फंड का ही मॉडल था ये भी, और ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, जिसका नाम, एक का नाम था कुछ नोबल रॉबर्ट मर्टन, और फिर एक था मायरन शॉल्स, ठीक है, ऐसे इनके बहुत सारे अच्छे, ये सब एकदम अच्छी पोजीशन के लोग थे, डिस्पाइट एन अर्ली सक्सेस, ठीक है, इनकी लाइफ में अर्ली, लाइक अर्ली दे वर हैविंग वेरी मच सक्सेस, तो ये जो मॉडल था ना, इसमें भी बहुत सक्सेस था इनिशियल स्टेज पे, बट
1998 में ना दे फेस्ड अ ड्रामेटिक कोलैप्स ऑफरिंग वैल्यूएबल लेसन अबाउट रिस्क लेवरेज एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग. ठीक है, इनकी मॉडलिंग प्रॉब्लम थी. अभी इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, ये लोग ना देवर वेरी वेल नोन पीपल, जो लोग ये बना रहे थे ना, ये सबसे पहले तो देवर वेरी वेल नोन. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या इनके इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट था, तो लोग इनको इनिशियल मार्जिन देने के लिए बोलते थे, ठीक है चलो मत दो यार आप इनिशियल मार्जिन, आप पे तो हमें ट्रस्ट है. फिर इन लोगों को ना लोग लेवरेज भी आराम से दे देते थे पहले. आई डोंट नो कि ये सब सिचुएशंस इतनी ज्यादा, मतलब दे वर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट विद ऑल दिस थिंग्स, तो वो क्या इनिशियल मार्जिन नहीं भी देते थे तो भी चलता था. एंड उनको लेवरेज भी बहुत मिलता था, उनका लेवरेज रेशियो था 25:1. देखो यहाँ पढ़ो, लेवरेज इन्वॉल्व्स बोरोइंग फंड्स टू एम्पलीफाई पोटेंशियल रिटर्न्स. ठीक है, तो LTCM हैड 4.8 बिलियन इन इक्विटी बट मैनेज्ड अराउंड $125 बिलियन इन एसेट्स. देखा दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है. और इनका देखो लेवरेज रेशियो, LTCM वॉज कंट्रोलिंग, LTCM के कंट्रोल में सिर्फ $25 के एसेट्स थे. इनका मतलब इनका रेशियो था 25:1. यहाँ पे देखो इसका मतलब भी बताया, इफ LTCM वॉज मेड 1% प्रॉफिट ऑन 125 बिलियन. और देखो ये क्या करते थे, इनका 1% का प्रॉफिट बनता था $125 बिलियन के एसेट्स पे. दैट वुड इक्वेट टू अ प्रॉफिट ऑफ 1.25 बिलियन, उसके जिसके अंदर से सिर्फ 4.8 बिलियन इक्विटी का था, और 1% गेन ट्रांसलेट टू 25% रिटर्न ऑन देयर एक्चुअल इक्विटी. मतलब बेसिक क्या बोल रहे हैं कि जो उनका लेवरेज होता था ना, लेवरेज के ऊपर, लेवरेज से इनको ज्यादा रिटर्न मिलता था, खुद के एसेट से इनको इतना कुछ खास रिटर्न नहीं मिलता था, बट क्योंकि लोग उनको लेवरेज देते थे तो देवर कंफर्टेबल. समझ में आ रही है बात? मैं ये रिपीट कर रहा है एग्जांपल हाँ, एग्जांपल ये एग्जाम्पल है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. आई नो कि ये कंफ्यूज कर रहा होगा, इसलिए मैंने इसलिए यहाँ आता कि समझो. ठीक है, 25:1 था इनका लेवरेज रेशियो था. ठीक है, जिसके अंदर से ये लोग 1% प्रॉफिट, ये जाने दो, ये मत करो. ठीक है, लेट लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग, बट अभी इरेज करूंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी. जान यहाँ पे देखो, मैं ऐसे ही बताती हूँ. 25:1 मतलब कैसे था कि अगर इनके खुद के एक, अगर इनके पास 25 टाइम्स किसी से लेवरेज लिया हुआ था ना, तो एक टाइम इनका खुद का एसेट होता था. ठीक है, तो ये जो 1 का रेशियो था ना, ये इनका खुद का एसेट था, और इनको जो भी प्रॉफिट मिलता था ना, वो प्रॉफिट मेजरली ये लेवरेज से ही मिलता था. ठीक है. तो ये लेवरेज लेके फिर लगाते होंगे ना, ठीक है, मतलब लोन हाँ, देना होगा। ये क्या करते थे, देखो जैसे मेरी कंपनी, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि क्या हो सकता है कि मैं कभी कोई बैंक की वीपी रही होंगी. ठीक है, अब मैंने इस बैंक को तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी इंप्रेशन अच्छी होगी लोगों के सामने बहुत. तो मैंने जब अपना खुद का बिजनेस चालू किया, तो मैंने लोगों से बोला अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैंने क्या किया, 10% अपना खुद का कैपिटल लगा दिया, और 90% मैंने बाहर वालों से ले लिया. तो मेरा पूरा बिजनेस तो ऑलमोस्ट ही 90% पे डिपेंडेंट है ना, तो इनका भी काम ऐसे ही चल रहा था, और जो भी रिटर्न्स आते थे ना, वो भी लेवरेज पे ही मिलते थे. मुझे तो कैसे इंटरेस्ट देना है और पैसे वापस कर देना है, लेकिन मेरा काम ऐसे ही चल रहा था. मैं लेवरेज ले रही थी मार्केट से, मैं खुद इतना इन्वेस्ट नहीं कर रही थी अपना खुद का कैपिटल. ठीक है. अच्छा हाँ, अभी इनकी कोर स्ट्रेटेजी क्या थी कि ये समझना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, पॉइंट यहाँ से चालू होता है कि LTCM वॉज इनटू रिलेटिव वैल्यू स्ट्रेटेजी विच एम्स टू प्रॉफिट फ्रॉम परसीव मिस प्राइसिंग रिलेटिव रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. अब ये लोग क्या करते थे, जैसे कोई कॉरपोरेट बॉन्ड है, ठीक है, और कोई अपना गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड के हमेशा कम रिटर्न देगा, और कॉर्पोरेट बॉन्ड सेम टाइप का थोड़ा ज्यादा रिटर्न देगा. तो ये जो 2% का प्रॉफिट होता था ना, ये लोग ये कैप्चर करते थे. ठीक है, ये जो 2% का प्रॉफिट होता था ना, दे वांटेड टू कैप्चर इट. अब कैसे कैप्चर करते थे वो यहाँ पे एग्जांपल में देखो. देखो LTCM क्या करता था, ब्रिटिश कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते थे ना, यील्डिंग मोर देन
ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, हमेशा कॉर्पोरेट बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा यील्ड करेगा. तो ये लोग क्या करते थे, कॉर्पोरेट बॉन्ड को बाय करते थे, ठीक है, दे वर बाइंग दिस. और ये लोग क्या करते थे, दे यूज टू शॉर्ट सेल गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, और इसको शॉर्ट सेल करते थे. एक बाय करते थे, एक सेल करते थे, और बीच का जो प्रॉफिट होता था ना, दे यूज टू अर्न इट. क्योंकि ये सेल करेंगे, अगर मैंने सेल किया तो मुझे 3% मिलेगा, ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूंगी, मैं 3% दूंगी. जब कोई बॉन्ड इश्यू करता है, तो वो पैसे देगा, तो 3% मैं दूंगी. लेकिन मैंने क्या, मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदा है, तो उसके बदले में मुझे 5% मिलेगा भी, तो मुझे जो 2% का प्रॉफिट होगा ना, दैट आई विल कैप्चर. रोहित समझा? आर्बिट्रेज जैसा है वो। हाँ, आर्बिट्राज जैसा है. शिवम, वापस से बताती हूँ, एलटीसीएम क्या है ना, ये रिलेटिव वैल्यू स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है. अपन इसको रिलेटिव वैल्यू स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता था, कि जैसे कोई एलटीसीएम है, एलटीसीएम क्या करता था, वो क्या करेगा, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड लेगा एक, इरेज कर देती हूँ. देखो, ये मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड हुआ, ये मेरा गवर्नमेंट बॉन्ड हुआ, ठीक है. मैं क्या करूंगी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करूंगी, ठीक है, इसको मैं सेल करूंगी, इसको मैं बाय करूंगी, ठीक है. अब मुझे क्या, इससे रिटर्न मिलता है 3%, इसका रिटर्न है 1%, ठीक है. अब मैं अगर बॉन्ड को सेल करूं, इसका मतलब क्या है, मुझे 1% का रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है. तो मेरे इससे 1% जाएगा. कॉर्पोरेट बॉन्ड लूंगी तो मेरे इससे 3% का रिटर्न आएगा मुझे. तो ये जो 2% का प्रॉफिट मुझे होगा ना, देने और लेने में, इसको हम आर्बिट्राज बोलेंगे. एलटीसीएम ये काम करता था, ठीक है. और ये सब वो दूसरों के पैसे से करता था, ऑलमोस्ट दूसरों से लेवरेज ले लेके करता था, खुद का कुछ नहीं करता था, और इनिशियल मार्जिन पे नहीं करता था. समझ में आया? अरे हाँ या ना तो बोलो. अच्छा अब ये क्या, ये इनकी स्ट्रेटेजी थी. अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, इन लोगों ने क्या किया था, एक रशियन गवर्नमेंट बॉन्ड लिया था, ठीक है. इनके पास एक रशियन गवर्नमेंट बॉन्ड था, गवर्नमेंट डिफॉल्ट किया, तो गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट करा, ठीक है, उसके डेट पे, एंड डीवैल्यूड इट्स करेंसी, और इसकी करेंसी पूरी की पूरी, तो जो उन्होंने सोचा था ना, उसका कंप्लीट ही उल्टा हो गया. एग्जाम्पल से बताऊंगी अभी. दिस कॉज इन्वेस्टर्स टू फ्ली टू सेफर एसेट्स लाइक यूएस ट्रेचरीज. तो लोग क्या, पहले ना रशियन गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करते होंगे, लेकिन रशियन गवर्नमेंट का जो डेट था ना, उसने डिफॉल्ट किया, ठीक है. लेकिन इन लोगों को स्टिल मार्केट में ना, लोगों को यूएस वाले, यूएस ट्रेचरी ज्यादा सेफ फील होती थी, तो उन लोगों ने क्या किया, रशियन से यूएस पे कर. एग्जैक्टली द एसेट्स एलटीसीएम वर शॉर्टिंग. और ये क्या कर रहा था, जो अपना एलटीसीएम था ना, एलटीसीएम ये यूएस ट्रेजरीज को शॉर्ट कर रहा था, ठीक है, इसको सेल कर रहा था. अब ये इसको सेल कर रहा था, ये क्या कर रहा होगा, ये 1% का, 1-1% का इंटरेस्ट दे रहा होगा, ठीक है. अब क्या, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि अरे हमको तो यही बॉन्ड चाहिए, यूएस ट्रेजरी, क्योंकि रशिया वाला जो बॉन्ड है ना, सबको पता चल गया बेकार है, ठीक है. रशिया में सब लोगों को लग, रशिया सब लोगों ने देख लिया कि बेकार बॉन्ड है, इसमें करना ही नहीं है हमें, ठीक है. मींस कैसा है, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है रशिया वाला, और अपना यूएस वाला गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है. फिर सब लोग गवर्नमेंट बॉन्ड के पास आ गए. तो गवर्नमेंट बॉन्ड के पास आएंगे, समझो गवर्नमेंट भी है, और गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, चलो 1 का 3% कर देते हैं. तो इसका क्या हुआ, इधर से तो इनको लॉस होने लग गया था, ठीक है, इधर से लोगों को लॉस होने लग गया, और जो इनने शॉर्ट कर रखा है, उधर ये लोग बोलते ज्यादा इंटरेस्ट पे करो, तो इनको क्या हुआ, इनको लॉस होने लग गया, और इनको मार्जिन कॉल आने लग गए. समझ में आई मेरी बात? एग्जाम्पल एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है. एलटीसीएम क्या कर रही थी, यूएस बॉन्ड को शॉर्ट कर रही थी, ठीक है, शॉर्ट कर रही थी, ये समझ के कि अरे मैं -1% का इंटरेस्ट दे रही हूँ, ठीक है. लेकिन क्राइसिस हुआ, और ये बॉन्ड जिसकी वैल्यू 80 रुपीज थी, इसकी वैल्यू अचानक से 120 हो गई, और जो इंटरेस्ट में -1% का दे रही थी, उसका इंटरेस्ट हो गया -3%. मतलब पहली बात तो मेरी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ी, ठीक है.
द प्राइसेस जम्प टू 120, मतलब प्राइसेस तो पहले जम्प हुए ही और मुझे अपना इंटरेस्ट भी बढ़ाना पड़ा। समझ में आई मेरी बात? जो मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ वो भी मुझे ज्यादा देना पड़ रहा। क्लियर है? मैम बॉन्ड बढ़ रहा है तो कम नहीं, होगा ना। एक ही मिनट, बट ये क्या है ना, यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही थी, ये मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत दिया है, मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या, जैसे मेरी यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड है, ठीक है, 100 रुपीज का है ये, 100 रुपीज का है, तो मैं कितना इंटरेस्ट दे रही हूँ इसको, समझो 1% का कूपन रेट मैं दे रही हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा मेरी गड़बड़ हुई है। अब क्या हुआ बाद में, क्या हुआ मेरे, मैंने ना यूएस में और भी लोग आने लगे, ठीक है। अब और भी लोग आए ना, तो मेरे को 120 हो गया, मेरी बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, लेकिन मेरा ये जो इंटरेस्ट रेट था ना, ये कम हुआ। बट इनिशियली क्या होगा, इनिशियल आते से 0.5 नहीं हो जाएगा। देखो बहुत टाइम तक ना इसकी प्राइस ऐसे चलेगी, 120 का 105 हुआ होगा, तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि 0.8% दे रही हूँ, या फिर हो सकता है, देखो 120 होने के बाद भी 1% चल रहा हो, 1% ही देना पड़ रहा हो और बॉन्ड की प्राइस भी बढ़ गई हो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट की यील्ड ना ऐसे फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मल गवर्नमेंट की यील्ड ऐसे ऊपर चलती है, लेकिन अब क्योंकि ये सब हो रहा है ना, तो वो फ्लैट होगी। समझ में आई मेरी बात? हाँ फ्लैट हो जाएगी। स्टिल हम पढ़ते हैं एक बार, ये क्या शॉर्ट कर रहे थे, ठीक है, $100 पे। इसमें क्या इंटरेस्ट रेट का इतना कुछ वैल्यू नहीं है, मेजर अपने को प्राइस का है। अगर मैं सोचू मैं किसी चीज को शॉर्ट कर रही हूँ 100 पे, तो मैं क्या चाहूंगी कि मैं जब कोई, तो फिर मैं शॉर्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी कि इसकी वैल्यू 180 हो जाए, यही चाहूंगी। yes. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू बढ़ के 120 हो गई, तो मेरे को तो लॉस हो गया ना। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो LTCM के साथ यही हुआ था। एक बार मैं बता देती हूँ मैं अच्छे से। LTCM के साथ क्या हुआ था, ये लोग ना यूएस ट्रेजरीज में शॉर्ट कर रहे थे, ठीक है, $100 के बॉन्ड को, ये सोच के कि ये बॉन्ड की वैल्यू और गिरने वाली है, लेकिन बॉन्ड की वैल्यू ऊपर चली गई और ऊपर जाके 120 हो गई, तो इनको लॉस हुआ। इतना याद रखना, और कुछ इंटरेस्ट विंटरेस्ट कुछ याद मत रखो, ठीक है। अब इनको लिक्विडिटी क्राइसिस कब आई, ठीक है, लिक्विडिटी क्राइसिस कब आई, अब इनके पास एसेट्स पहले पहले ही कम थे, ये तो सबको पता है कि इनके एसेट्स कम थे। इनके पास कितने एसेट्स थे, लिक्विडेट 1 बिलियन इन एसेट, ठीक है, LTCM नीडेड। अब इनके पास क्योंकि मार्जिन कॉल आने लग गए थे, तो ये पैसे कहाँ से लाए मार्जिन कॉल के लिए, तो इन लोगों ने क्या किया, दे फेस मार्जिन कॉल्स डिमांड फॉर एडिशनल कोलेटरल, ठीक है। उनको बोला कि तुम मार्जिन, पहले तो ज्यादा पैसे दो और कोलेटरल भी अपना बढ़ा के दो, तो इनके पास तो इतना कुछ था नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इनके जो खुद के एसेट्स थे ना, ये गए मार्केट में सेल करने, ठीक है। तो समझो कोई $100 का एसेट है ना, तो उसकी वैल्यू सिर्फ, मुझे सिर्फ 80 रुपीज, $80 मिल रही थी, मुझे $20 के लॉस पे सब एसेट्स बेचने पड़ रहे थे, ठीक है, समझ में आया? इसलिए इनको लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ। अभी क्या हुआ, अभी जब इतना सब हुआ ना, तो फिर ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो जब तो फिर इतना हो गया ना, तो उसके बाद LTCM में क्या था, देव बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे लोग थे, ठीक है, एकदम अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट थे जो काफी नोन थे, तो हम उनको ऐसे डूबने नहीं दे सकते थे। तो फिर क्या किया, फेडरल रिजर्व ने इंटरवीन किया, और फिर बैंक ऑर्गेनाइजिंग अ बेल आउट वेयर अ ग्रुप ऑफ बैंक्स इंजेक्टेड $3.5 मिलियन इनटू LTCM, ठीक है। दूसरे बैंक्स ने LTCM को इतना पैसा दिया इन एक्सचेंज फॉर अ मेजोरिटी स्टेक। मतलब कैसे, LTCM होगा तो बहुत सारे अलग अलग बैंक होंगे, ए बी सी, सबने अपना मेजर स्टेक ले लिया, 25%, 50%, 25% ऐसे ले लिया, ठीक है, मेजर स्टेक लिया और थोड़े बहुत पैसे डाल के रख लिया बैंक को, ठीक है, ये हुआ था। अब जैसा LTCM, इक्विटी ले लिया। हाँ, इक्विटी ले लिया, उसके उसके अंदर स्टेक ले लिया, इसमें वो भी आएगा क्या, मतलब उनका मॉडल भी आएगा क्या, उनका मल्टीमैन स्पोर्ट्स का क्या
वो ब्लैक स्पोल मॉडर्न मॉडर इन्होंने बनाया था क्या? मुझे भी नहीं पता, जब मैंने तुम्हारे सामने नाम पढ़ा ना, मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चन आया। मैं भी ना इसके बाद मैं एक बार गूगल पे सर्च करूंगी, बट ना मटन मटन मॉडल के लिए कोई और था, देखते हैं एक बार अभी, कि आज तो टाइम है अपने पास, देख लेते हैं। हु मेड मटन मॉडल। आपका कौन सा टैग है? अच्छा, मेरा मेरे पास ये सैमसंग का है। रुको रॉबर्ट मर्टन है ना, हाँ वही है वही है वही है। और फिर होममेड ब्लैक शोल्स, हाँ यही है यही है। देखो अभी अपन ने नाम पढ़े ना, ये देखो रॉबर्ट मर्टन, फिर माइरन शॉल्स, यही लोग हैं। उनका नाम नहीं था ना, पिक्चर इसलिए इतने नोन है क्या? ब्लैक का नाम नहीं था शायद। देखो फिशर ब्लैक इसका नाम नहीं आया, बट हाँ रॉबर्ट मॉर्टन, फिर माइरन शॉल्स, ये सब तो सेम है। चलो अभी LTCM के कोलैप्स के क्या क्या लेसन है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ना LTCM ने अंडर एस्टिमेट किया था कि हाउ एसेट कोरिलेशंस वुड चेंज ड्यूरिंग अ क्राइसिस। अब ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, कोरिलेशन कभी भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमने सोचा है वही होगा। मार्केट देखो कांस्टेंट चेंज हो सकता है, ये लोग पता नहीं पहले के लोग ये सब क्यों नहीं सोचते थे, बट जैसे ही रशियन क्राइसिस हुआ तो मेनी एसेट्स वर थॉट टू बी डाइवर्सिफाइंग सडनली बिकेम हाईली कोरिलेटेड। मतलब ये लोग क्या करते थे, सब सेम तरह के एसेट रखते थे अपने पास, और सेम तरह के जैसे सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में काम करोगे तो सब ऑलमोस्ट सेम ही रिएक्शन देंगे ना। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल। जैसे इफ नॉर्मली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स मूव इंडिपेंडेंटली, लेकिन जब दोनों के बट ड्रॉप इन वैल्यू टुगेदर कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। ठीक है, दोनों की वैल्यूज गिरने लगी, इट वॉज नॉट ओनली विद गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दोनों की वैल्यू गिरने लगी तो फिर तो लॉस हो गई। ठीक है, फिर वॉच लिक्विडिटी। अगर आप पैसे ले रहे हो बाहर से तो भी आप अपने पास थोड़ा जो कैपिटल रखोगे ना, कि नहीं रखोगे बिल्कुल भी, तो पहले पता नहीं लोग होते दे वर नॉट कीपिंग कैपिटल फॉर मार्जिन कॉल्स, तो उनको क्या जो उनके पास एसेट रहते थे ना, पहली बात तो इन लोगों ने लेवरेज बहुत ले रखा था और एसेट कम थे इनके खुद के, लेकिन जो एसेट्स ये जो थे भी वो जब मार्केट में बेचने गए ना, तो जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू मिली ही नहीं, कम वैल्यू मिली। तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ। फिर थर्ड है कंसिडर लॉस अजम्पशंस। लॉस LTCM रिलाइड ऑन वैल्यू एट रिस्क मॉडल्स दैट अंडर एस्टिमेटेड पोटेंशियल लॉसेस। ये तो सबको पता है कि वार मॉडल पे हम से सोलली नहीं डिपेंडेंट रह सकते। ठीक है, वी कांट डिपेंड ऑन वार मॉडल सोलली, तो फिर वी नीड टू हैव सम अनदर, वी नीड टू हैव अनदर मॉडल्स ऑल्सो लाइक सिनेरियो एनालिसिस, फिर स्ट्रेस टेस्टिंग, ERM, सब होना चाहिए हमारे पास। हम सिर्फ एक मॉडल पे तो नहीं डिपेंडेंट हो सकते। इफ मॉडल प्रेडिक्ट्स यू कैन ओनली लूज $10 ऑन एन इन्वेस्टमेंट, बट इन रियलिटी मार्केट स्विंग्स टू, ये क्या अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की बात कर रहे हैं? और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का अगर बहुत हाई वैल्यू हो गई तो हमें लॉस हो सकता है, बहुत ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, फिर एनहांस्ड डिस्क्लोजर। LTCM वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। हाँ बोलो बोलो रोहित, वो टाइम पे जो मतलब एक्सपेक्टेड था जो था ना, वॉर क्या था तो वो भी था, वॉर था तो मतलब वो भी था ना, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी था, लेकिन एक्सपेक्टेड वो लोग शॉर्टफॉल, क्यों नहीं यूज किए तो वो लोग? वो क्योंकि पहले के अभी भी लोग इतना एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल यूज नहीं करते, कहीं भी जाके देखो लोग नहीं यूज करते एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, मेजरली इसी पर चलते हैं, सिनेरियो एनालिसिस, स्ट्रेस टेस्टिंग। और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल के बारे में अभी जब लेवल 2 में पढ़ोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, क्यों वो भी कंप्लीटली हम उस पर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और एनीवेज वार इज नॉट अ वेरी गुड टेक्निक। ठीक है, वार को लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर ही नहीं सकते। वार सिर्फ हम तब यूज करते हैं अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में हैं और हमें शॉर्ट टर्म मॉडल के लिए यूज करना है तो ही वार को अच्छा माना जाता है, अदरवाइज वार इज नॉट समथिंग विच वी शुड यूज। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप कुछ भी यूज करो, लेकिन वार इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर।
ये बात तो मैंने वार पढ़ाते पढ़ाते ही बोली थी बात आप लोगों को। फिर क्या यहाँ पे ना देवर नॉट इतना डिस्क्लोजर इनका कैसा था, एलटीसी वाज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पोजीशन लीडिंग टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स अबाउट ट्रू रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या ये लोग बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर कर रहे थे, इतना डिस्क्लोजर कंपनी का करना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों ने बहुत डिस्क्लोजर किया। दिस इज लाइक अ रेस्टोरेंट दैट डजंट शो इट्स इंग्रेडिएंट्स, पैटर्न्स माइट एंजॉय अ डिश विदाउट रियलाइजिंग इट्स कंटेंट एलर्जन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग अपने इंग्रेडिएंट्स को शो बता नहीं रहे, बट 2 मिनट यहाँ पे इन लोगों वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज डिटेल, 1 मिनट इधर देखते हैं, यहाँ से पढ़ते। ठीक है, यहाँ पे वहां पे कुछ आई थिंक रॉन्ग है। बिकॉज एलटीसीएम वॉज स्ट्रक्चर्ड एज हेज फंड, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज मच ऑफ डिटेल्स टू ऑफ इट्स पोजिशन। बिकॉज इन अकाउंटिंग परस्पेक्टिव इट डिड डेली मार्क टू मार्केट, एलटीसीएम ऑल्सो प्रोवाइडेड इनफ डिस्क्लोजर्स अबाउट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कम्प्लाई विथ रिक्वायरमेंट्स, बट द रियल मीट ऑफ स्ट्रेटेजीज वॉज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज। हाँ ठीक है, ये लोगों ने क्या किया, बिकॉज इनके हेज फंड्स थे, तो पहली बात तो हेज फंड्स कभी ज्यादा डिस्क्लोजर देते हैं क्या इन्फॉर्मेशन का, ये नहीं देते है? नहीं देते है? अच्छा हाँ, तो ये लोग पहली बात तो ये लोग इतना डिस्क्लोजर नहीं देते। और फिर ये लोगों ने क्या किया, ये लोग हेज टू फंड्स आर नॉट इवन मार्क टू मार्केट, तो इनका क्या था, ये लोग इतना डिस्क्लोजर नहीं देते थे। मैंने ऊपर का मत पढ़ना, ठीक है यहीं से पढ़ना है, कि इतना डिस्क्लोजर नहीं देते थे और जो देते थे वो भी इतना रेलेवेंट नहीं होता था। और यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, जो डिस्क्लोजर देते थे वो भी इतना रेलेवेंट नहीं होता था। ठीक है, और ये लोग क्या मार्क टू मार्केट भी नहीं करते थे डेली, तो ये तो हेज फंड की सबसे बड़ी गलती मान लो कि मार्क टू मार्केट नहीं करते। इट डिड मार्क टू मार्केटिंग, एलटीसीएम आल्सो प्रोवाइडेड, यहाँ पे इन लोगों ने क्या जस्ट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के लिए दिया, लेकिन रियल में देवर नॉट इनटू इट कि देवर डूइंग M2M डेली, तो डिस्क्लोजर तो देना चाहिए, बट आई थिंक हेज फंड्स वैसे भी नहीं देते, तो ये पॉइंट इतना रेलिवेंट था भी नहीं। फिर इनिशियल मार्जिन पोस्टिंग, मैंने बताया कि ये लोग इनिशियल मार्जिन मांग ही नहीं रहे थे, खुद बैंक ही मना कर रहे थे कि आप मत दो इनिशियल मार्जिन, तो अगर इनिशियल मार्जिन नहीं देंगे तो लॉस तो होगा। समझ में आई मेरी बात? हाँ ये ना शिवम आज कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है क्या मेरी बात? ठीक है, द लंडन विल ट्रेड, अभी इसमें क्या था, जेपी मॉर्गन है। पढ़ना था क्या रोहित, बीच में पढ़ना है तुम्हें, टाइम चाहिए या फिर मैं खत्म कर दूँ? आज मैंने सोचा मैं 6 बजे तक खत्म कर दूंगी क्लास। पढ़ लो एक बार पढ़ लो, फिर अगर पढ़ना है तो एक बार पढ़ लो, मॉड्यूल से ही पढ़ लो वो पार्ट, और फिर उसके बाद कुछ डाउट है तो मुझसे बोलो, 5 मिनट का टाइम ले लो 38 तक। पढ़ा क्या पढ़ा दूँ आगे? दिया मैं सेकेंड मॉड्यूल तक भेज दूंगी कट करके, मुझे एक बार याद दिलाना रात को। देखो लंडन वेल ट्रेड में क्या था, ये जेपी मॉर्गन का जो सीआईओ था, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ठीक है, इसको टास्क दिया था 350 मिलियन को मैनेज करने का। ठीक है, इतना पैसा इसको दिया था मैनेज करने के लिए। अब इसने क्या किया, क्योंकि वो एक्सेस थे डिमांड डिपॉजिट में, तो उसको बोला तू कर ते को जो करना है, इससे पैसे रिटर्न दे दे हमको अच्छा खासा। तो इस बंदे ने क्या किया, ही स्टार्टेड टेकिंग बेट्स, ठीक है, ही स्टार्टेड टेकिंग मैसिव बेट्स ऑन सिंथेटिक क्रेडिट डेरिवेटिव्स। ठीक है, ही स्टार्टेड टेकिंग बेट ऑन सीडीएस। अब सीडीएस सबको ही पता है, इट इज अ रिस्की डेरिवेटिव, ठीक है, दैट अल्टीमेटली कॉस्ट द बैंक 6.2 मिलियन। जिस ये जो लिया था ना इसने, जो पोजीशन ली थी ना सीडीएस में, जिसकी वजह से बैंक को इतने लॉसेस हुए, ठीक है, इतने 6.2 बिलियन डॉलर का तो लॉस हुआ है बैंक को। अब क्या हुआ, 2011 में ये बंदे ने क्या किया, इसका नाम आई थिंक नहीं दे रखा है ना, हाँ नाम नहीं डिस्क्लोज किया, बट इस बंदे ने क्या किया, जो इसका सीआईओ था ना, सबसे पहले तो ये मैसिव बेट्स में इंटर होने लग गया,
और फिर बैंक ने 2011 में रियलाइज किया कि इट नीडेड टू रिड्यूस रिस्क इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब सबको पता है दैट सीडीएस इज रिस्की, तो उसने सीआईओ को बोला कि ये जो रिस्क ले रहे हो ना, ये थोड़ा कम कर दो, और क्योंकि हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे इतना रिस्क लेने से। तो ये पहली बात, तो इसको कैपिटल रखना नहीं था बैंक के पास ज्यादा, ठीक है, क्योंकि किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि इतना ज्यादा कैपिटल रखे इतने रिस्की पोजिशन में। तो इसने क्या किया, रादर देन डाउन शिफ्टिंग, ठीक है, रादर देन कि उसने जितनी बेट्स ले रखी थी, डाउन शिफ्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इट शॉर्ट बेट्स। ठीक है, पहली बात तो इसने शॉर्ट बेट्स ले रखी थी। इसने क्या किया, इसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए डबल डाउन विथ लॉन्ग बेट्स। ठीक है, इसने ये किया डबल, जितनी जैसे इसके पास 15 शॉर्ट बेट्स थी ना, तो इसने 30 और लॉन्ग बेट ली। अरे डाउन शिफ्टिंग द वॉल्यूम मतलब क्या, डाउन शिफ्टिंग द वॉल्यूम मतलब हाँ आवाज नहीं आ रही अच्छे से। डाउन शिफ्टिंग द वॉल्यूम मतलब डाउन शिफ्टिंग द वॉल्यूम मतलब देखो, अगर मैंने रिस्की ले रखे, अगर मैंने 100 रिस्क की ट्रेड ले रखे, मुझे पता है कि 100 रिस्क की ट्रेड की वजह से मेरे कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रहे, तो मैं क्या करूंगी, मैं 50 कर दूंगी इसे। लॉजिकली इंसान यही करेगा ना, इसे 50 कर देगा, कम कर देगा। इसे जो कम करना होता है ना, इसे बोलते हैं डाउन शिफ्टिंग द वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट ट्रेड्स, शॉर्ट शॉर्ट बेट्स। तो इस बंदे ने क्या किया, इसने कम करने के बजाय इसने उसको और बढ़ा दिया। जो बेट्स इसने ले रखी थी ना, इसने 15 शॉर्ट बेट ले रखी थी, इसने उसके लॉस को कवर करने के लिए 30 लॉन्ग बेट ले ली। लेकिन दिस वॉज नॉट द करेक्ट अप्रोच। एंड वेन एवर कोई भी उससे पूछता था ना, कंसेप्चुअली ऑफसेट द रिस्क इन शॉर्ट शॉर्ट होल्डिंग्स। ठीक है, अब इसको लगा कि अरे ये रिस्की हो रहा है, तो इसने इसको हेज करने के लिए, ऑलमोस्ट हेज करने के लिए उसने लॉन्ग ली, और फिर डूइंग सो इफेक्टिवली नेगेटेड हाउ मच ऑफ रिस्क मैनेजमेंट गोल्स। ठीक है, अब इससे क्या, लोगों को तो लगा हाँ ठीक है चलो रिस्क मैनेज हो गई, लेकिन ये करेक्ट वे था क्या रिस्क मैनेज करने का, कोई मुझे इतना बता दो बस। इज दिस द राइट वे टू मैनेज द रिस्क? नहीं ना, आप एक बेट की जगह पे आप ऐसे सेम टू सेम बेट्स लो और उसे लॉन्ग शॉर्ट करो, तो ये कोई अच्छी हेजिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती। इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग रिस्क एक्सपोजर इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग रिस्क एक्सपोजर, दिस स्ट्रेटेजी एक्चुअली एक्सपैंडेड रिस्क एक्सपोजर इन परस्यूट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट बनाने के लिए उसने अपना रिस्क एक्सपोजर और बढ़ाया ही था। उसने अपना रिस्क एक्सपोजर बढ़ाया। अब क्या हुआ, इसके जब 2007 का कैलेंडर ओपन हुआ, तो क्या हुआ, लॉस विथ लॉसेस ऑफ सीआईओ स्ट्रेटजीज। ठीक है, जैसे ही 2007 2012 आया, लोगों ने देखा अरे इसने तो और लॉस कर दिया, इसकी स्ट्रेटजीज की वजह से हमारा लॉस इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो फिर लोगों ने इससे पूछना चालू किया कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो। तो उस टाइम पे क्या थी बेस्ट प्रैक्टिस जो यूज करते थे ना लोग, वो ये थी कि बेस्ट प्रैक्टिस इज टू यूज द मिड पॉइंट ऑफ डेली ट्रेडिंग रेंज एज वैल्यूएशन एंकर। ठीक है, ये क्या, अगर किसी को कुछ भी वैल्यूएशन लेनी है ना, तो उसके लिए जो मिड पॉइंट होता था पूरे पूरे दिन की जो ट्रेडिंग रेंज चल रही है, उसका जो भी एक मिड पॉइंट होता था एवरेज वगैरह निकाल के वो लेना चाहिए। लेकिन ये बंदा क्या करता था, ये बंदा ना किसी कोई भी एक रेंज उठा लेता था, ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी एक असाइंड यूजिंग एन असाइंड प्राइस, अपने हिसाब से खुद की चूज करके, जिसको जिस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं चेरी पिकिंग। ठीक है, इसको जो रेंज सही लगती थी ना, ये रेंज उठा लेगा। जैसे इसको लग रहा है 500 सही रेंज है, तो 500 की रेंज उठाएगा, और सारे जो सब लोग उल्लू बनाता था यही बोल बोल के कि अरे ये रेंज पे मेरा सब मेरी पोजीशन ये रेंज पे पड़ी है, जिससे लोगों को लगे कि अरे ठीक है अब ये लेस रिस्क की पोजीशन में काम कर रहा है तो करने देते हैं। और ना ये इंटरनल कंट्रोल्स जो लोग अंदर के लोग थे ना, उनको ऐसा बताता था कि मैं तो कम प्राइस पे कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर प्राइस पे ट्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज ही वॉज नॉट रिवीलिंग द करेक्ट सिचुएशन। ठीक है, और कोई चेक भी नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात थी ही वॉज नॉट रिवीलिंग द करेक्ट सिचुएशन, बिकॉज लोगों को ट्रस्ट होता है ना कि ये सीआईओ है, आई विल हील है। और फिर मार्च 2012 में प्रैक्टिस वाज डिस्कवर्ड, व्हेन मार्च 2012 में, ये क्या जैन 2012 से लेके मार्च 2012 तक लोगों को ठीक है चल रहा था, लेकिन मार्च में क्या हुआ,
मार्च में जेपी मॉर्गन के जो खुद का इन्वेस्टमेंट बैंक था ना, जो खुद के इन्वेस्टमेंट बैंकर के और भी लोग थे, उन्होंने रियलाइज किया कि अरे इसने तो हमें उल्लू बनाया है। सीआईओ एंड इन्वेस्टमेंट बैंक डिसीजंस फॉर वैल्यूइंग द सिंथेटिक डेरिवेटिव्स इन टू डिफरेंट वेज, कि जो नॉर्मल बैंक के लोग वैल्यू करते हैं उनकी कोई अलग तरीका है और इसका कुछ अलग ही तरीका है वैल्यू करने का। और ये सब जब डिस्क्लोज हुआ ना, तो जो सीआरओ था ना कंपनी का, सीआरओ ने सीआईओ को डायरेक्ट किया कि आप वापस से ये मिड पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी पे आओ। हाँ बोलो रोहित। सिंथेटिक डेरिवेटिव वही है क्या, मतलब खुद कॉल पैरिटी से बनता है? सीडीएस, सीडीएस सिंथेटिक नहीं, सीडीएस, सीडीएस मैं अभी बताऊंगी, अभी अपना जब फोर्थ चैप्टर करेंगे ना तब सीडीएस बताऊंगी क्या होता है। सीडीएस एकदम घटिया चीज होती है ना, जो वो सीडीएस होती है, ठीक है। सीडीएस में यू शुड नेवर ट्रेड इन सीडीएस, अब तो बंद हो गया है खैर, बट हाँ ये 11 2007 9 ये सब टाइम पे ना देवर वेरी मच इनटू ये सब चीजों में, बहुत ज्यादा ये लोग ट्रेड करते थे। हाँ बोलो। नहीं, ठीक एक ही मिनट, आई डोंट नो आज। ठीक है चलो। ये फिर जब ये सब पता चला ना, तो सीआरओ ने सीआईओ को बोला कि अरे यार आप ये प्लीज आप बंद करो, आप मिड पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी पे आओ, जो कि एक थर्ड पार्टी वेरीफाई करे और उसके बाद ही आप वो सब करना, ठीक है। दिस एथिकल इंस्ट्रक्शन बिगेन टू अक्रू बोथ इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग लॉसेस फॉर, जब ये बात हुई ना, जब ये थर्ड पार्टी को वेरीफाई करने वाली चीज हुई ना, तब लॉसेस बाहर निकले रियल में कि ये कितना बड़ा लॉस हो चुका है। थ्रू आउट दिस टाइम द सीआईओ रूटीनली, ये क्या पूरे टाइम पे ना, ही वॉज रूटीनली ब्रीचिंग द लिमिट्स, ठीक है, इंटरनली एस्टेब्लिश रिस्क लिमिट्स। तो जो उनके रिस्क लिमिट थी ना, ये ब्रीच ही कर रहा था, जो उनका रिस्क एपेटाइट होगा, ही वॉज कंटिन्यूसली ब्रीचिंग। और जब भी कोई उसे पूछता था ना, वो कुछ भी आंसर दे देता था, ठीक है, कि जैसे जिससे सबको लगे कि हाँ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन, ही वॉज ऑलवेज गिविंग चेरी पिक्ड आंसर। अकॉर्डिंग टू यूएस सेनेट रिव्यू द फेल्ड ट्रेड इन 2013, सीआईओ इग्नोर 330 ब्रीचेज ऑफ इट्स वार एस्टेब्लिश रिस्क लिमिट। सोचो वार के जो लिमिट्स थे ना, वो 330 ब्रीचेज हुए थे उसके अंदर, मतलब कितना लॉस हुआ होगा कंपनी को। एंड द ब्रीचेज वर सिस्टमैटिकली इधर इग्नोर्ड और एड्रेस्ड बाय रेजिंग रिस्क लिमिट्स। या तो इसने इग्नोर करा था, या तो इसने वार के लिमिट्स को ही बढ़ा दिया था अच्छा दिखाने के लिए कि हाँ मेरा तो सब सही चल रहा है, ठीक है। द सीआईओ डिवाइज्ड अ सीरीज ऑफ रिवाइज्ड वार अजम्पशंस एंड डिक्रीज्ड कैलकुलेटेड वार बाय 50%, ठीक है। जो वार इन लोगों ने रियल में कैलकुलेट करा था ना, उसको 50% से घटा दिया, ठीक है, 50% से टोटल रिड्यूस किया। और जो वार अजम्पशंस थे ना, उनको भी बार बार रिवाइज कर करके 50% से घटाया है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से दे फेस्ड अ $6.2 बिलियन का लॉस एंड वाज नॉट अवॉइडेड एज इजीली एज दीज अजम्पशंस वर चेंज्ड। समझ में आया पूरा केस? इस नेक्स्ट करें रोग ट्रेडिंग। रोग ट्रेडिंग तो वेरी इजी केस। इसमें क्या हुआ था, बैरिंग्स बैंक था अपना, ये बैरिंग्स बैंक ने क्या हुआ था, वाज फाउंडेड इन लंदन इन 1762। इट वाज वर्ल्ड सेकंड ओल्डेस्ट मर्चेंट बैंक इन 1982। 1982 में क्या था, एक एक एम्प्लॉय था निक लीसन करके, जो कि सिंगापुर में मूव हुआ था और वो वहां पे जाके ऑपरेशंस देखता था। अब ये जो निक लीसन था, ये क्या, इसका काम क्या था, इसने मेजर जो इसका गफला किया ना, इसने इसका गफला इसलिए हुआ बिकॉज ये बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस दोनों देखता था, ठीक है, इसके कंट्रोल में थे दोनों। हिज मिशन, इसका मेन मिशन क्या था, वॉज टू एग्जीक्यूट क्लाइंट ट्रेड्स, मतलब ही वॉज अ ट्रेडर, ठीक है, नॉर्मल ट्रेडर था, जो सबके बिहाफ पे, क्लाइंट्स को क्लाइंट बोलते थे, उनके बिहाफ पे ही वॉज एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड्स। लेकिन ये क्या करता था,
इसने क्या किया, इसका रोल जब एक्सपैंड हुआ ना, तो इसको बोला कि तुम ना ये आर्बिट्रेज के जो ट्रेड्स होते हैं ना वो करो। आर्बिट्रेज के ट्रेड्स मतलब कैसे, जो मैंने अभी बताया ना, जैसे बॉन्ड में मैंने कैसे बताया, एक जगह पे 3% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको बाय करूंगी, और जहां पे मुझे 1% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वहां पे मैं शॉर्ट सेल करूंगी, और बीच में जो 2% मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो जो ऐसे क्लाइंट के ट्रेड्स होते थे ना, उसको करने के लिए बोला, निकलेस इनको बोला कि यू प्लीज डू सच काइंड ऑफ ट्रेड्स फॉर द क्लाइंट्स। और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ट्रेड करने के लिए बोला था उसको। और वो कौन से पे ट्रेड करता था, सबसे पहले तो वो निकी पे करता था, ठीक है, जापान का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और ओसाका सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे करता था, जो ये भी जापान का ही, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ जापान, ठीक है। इसमें ये दो चीजों, दो स्टॉक एक्सचेंजेस में ही वो ट्रेडिंग, मतलब ये जो दो इंडाइसेस थे ना, पहला निक्की और दूसरा ओसाका सिक्योरिटीज, दोनों दोनों ये पहला वाला जो था ना, ये फर्स्ट था, निकी तो अभी भी चलता है, ओसाका मुझे निकी ओसाका भी है ही वैसे, ठीक है। और इधर पे उसको बोला था कि आप आर्बिट्रेज पोजीशन करोगे। अब इसको क्या बोला है, देखो यहाँ पे लिखा है, अ ट्रेडिशनल आर्बिट्रेज ट्रेड इन्वॉल्व टेकिंग लॉन्ग पोजिशन एंड पोटेंशियली अंडर प्राइस सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब मैं कैसे बताऊँ, जैसे SBI है, SBI मेरे को लग रहा है अभी 800 रुपए का चल रहा है, और मेरे को लग रहा है ये 850 का होना चाहिए, मुझे लग रहा है ये अंडर प्राइस है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन लूंगी, और मेरे पास NTPC है, NTPC अभी 450 का लग रहा है, मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी 400 का होगा, मतलब ये नीचे आएगा, तो इसमें मैं क्या करूंगी, शॉर्ट पोजीशन लूंगी। और इधर जो दोनों का प्रॉफिट होगा ना, वो जो प्रॉफिट होगा ना वो मैं रखूंगी, या ऐसा, इस तरह से आर्बिट्रेज लोग काम करते थे, ठीक है। वैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का है। तो पर इसने क्या किया है, देखो यहाँ पे ये लोगों ने क्या लिखा है, लॉन्ग पोजीशन एंड पोटेंशियली अंडर प्राइस सिक्योरिटी क्योंकि वो ऊपर आने वाले हैं, एंड शॉर्ट पोजीशन एंड पोटेंशियली ओवर प्राइस वन क्योंकि वो नीचे जाने वाला है। समझ में आ रहा है अभी तक, यहाँ पे इतना समझ में आया सबको? अच्छा हाँ, लेकिन लीसन ने क्या किया, इसने सिर्फ एक साइड, इसने सिर्फ एक लेग का ट्रेड किया, दूसरे लेग को ट्रेड ही नहीं किया। इसने क्या किया, इसने रोग ट्रेडिंग करी। रोग ट्रेडिंग में क्या किया इसने, लीसन डिसाइडेड टू टेक रोग एक्शन ऑफ स्पेक्यूलेटिंग, ठीक है, इसको स्पेक्यूलेशन करना था। तो ये सिर्फ, ही वॉज ओनली बाइंग वन असेट विदाउट विदाउट एन ऑफ सेटिंग शॉर्ट पोजिशन, ठीक है। ये सिर्फ बाय करता था, लेकिन बाय करने के लिए जो शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ती है ना, वो करता ही नहीं था। समझ में आई मेरी बात? ही वॉज ओनली बाइंग, ही वॉज नॉट शॉर्टिंग, वो सेल नहीं करता था, वो सिर्फ बाय करता था। तो फिर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से क्या हुआ, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से जो लॉसेस थे ना, जब भी लॉस होता था तो लॉस को ये एरर अकाउंट में दिखाता था, ठीक है। और ये एरर अकाउंट किसी को भी विजिबल नहीं था, नो वन वॉज एबल टू सी द, क्योंकि ये क्या बैक ऑफिस भी देखता था तो अकाउंटिंग भी यही देखता था, तो ये क्या, ये अपने हिसाब से अकाउंटिंग करता था। इसने क्या किया, ट्रेडिंग एक्शंस लुक लाइक दे वर मेकिंग अ लार्ज रिटर्न फॉर बेयरिंग बैंक, क्योंकि क्या लोगों को तो यही लगता था कि हम, क्योंकि बैक ऑफिस भी यही हैंडल कर रहा है, अकाउंट्स भी यही दिखाता है, तो अकाउंट्स में तो एकदम क्लियर अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि लॉस तो ये एरर अकाउंट में डाल रहा था, तो लोगों को सिर्फ अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, लॉस वॉज हिडन, तो दे वर ओके कि हाँ ये अच्छा कर रहा है। द रियलिटी वॉज दैट लीसन ऑल्सो कंट्रोल द बैक ऑफिस अकाउंटिंग ऑफ हिज ओन ट्रेड एंड ही मैनेज द रिपोर्टिंग थ्रू अ हिडन रिकंसिलिएशन अकाउंट, ठीक है। उसने क्या, उसने एक हिडन रिकंसिलिएशन अकाउंट बना रखा था, जिसके अंदर अगर आपको 102 पाउंड मिलियन का प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो वो इतना प्रॉफिट है ही नहीं, उसके बदले में प्रॉफिट तो जाने तो 200 मिलियन पाउंड का लॉस था, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बैक ऑफिस मतलब ये बैकएंड टीम से होता है। हाँ, तो वही तो गड़बड़ थी इसकी कि ये फ्रंट ऑफिस, अभी ये सब चीज मैंने, रोहित ना तुम वो सब चीजें पूछते हो जो कि अब हो रही है, लेकिन पहले ये सब नहीं होता था, और ये सब होते होते ही हम लोगों ने सब चीजें चेंज करी है। मैंने क्या बोला इसकी, मैंने सबसे पहले ही बोला, सबसे बड़ी गलती इस केस में थी कि ये फ्रंट ऑफिस भी देखता था और बैक ऑफिस भी देखता था, खुद की ट्रेड्स की अकाउंटिंग भी ये खुद ही कर रहा था बंदा, तो लोगों को कैसे पता चलेगा क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है।
तो फिर जब लेट 1994 में रिस्क मैनेजर्स जो थे ना बैरिंग बैंक के, उनको लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ये क्या इसकी गड़बड़ हो रही थी ले, तो फिर ये जो रिस्क मैनेजमेंट टीम थी ना, एनीवेज ये लोग जो थे ना रिस्क मैनेजमेंट वाले, ये लोग इतना कुछ बोल नहीं सकते थे ट्रेडर को, क्योंकि वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा था, तो क्यों मतलब बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो उन लोगों ने क्या सुपरवाइजर्स को जाके बोला कि एक बार लीसन को देखो ये क्या कर रहा है, लेकिन सुपरवाइजर भी कुछ बोलते नहीं थे लीसन के, क्योंकि क्या सुपरवाइजर को भी अच्छे खासे बोनस चेक्स मिलते होंगे। तो सुपरवाइजर ने बोला जाने दो, अभी जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। तो उनको उनके बोनस की चिंता थी, इसलिए किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। सेकेंड पैराग्राफ में वो लोग यही बता रहे हैं, बैरिंग बैंक ग्रू क्यूरियस अबाउट अनयूजुअल गेन्स, ठीक है, उनको लगा अरे इतना गेन कैसे हो रहा है, दिस इज समथिंग अनयूजुअल। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू ओवरराइड लीसन सुपरवाइजर्स, ठीक है, लीसन को तो जाने दो, लीसन के सुपरवाइजर्स को भी दे वर नॉट लाइक अलाउड टू ओवरराइड देम। जो सुपरवाइजर ने बोल दिया दैट इज परफेक्ट, और सुपरवाइजर क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनका कंफर्ट लेवल लेवल था, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय सुपरवाइज बोनस चेक्स एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेड्स, ठीक है, सुपरसाइज्ड बोनस चेक्स, ओके। क्या बोल रहे हो शिवम, समझ में आ रहे, बोले तो कुछ माइक खोल के। आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे? थोड़ा हाँ ठीक है, आई नीड टू चेक ना कि है या नहीं है सामने। फिर रिस्क मैनेजर्स ने क्या किया, दे कंटिन्यू देयर इंटरेस्ट व्हेन इन जनवरी 1995 लीसन रिपोर्टेड अ अनयूजुअल प्रॉफिट ऑफ 10 पाउंड मिलियन इन अ सिंगल मंथ, ठीक है, एक मंथ में जब उसने इतना प्रॉफिट किया ना, तो ये क्या रिस्क मैनेजमेंट टीम वालों ने अभी तक उस पर नजर रखनी छोड़ी नहीं थी, वो अभी भी देख रहे थे, भले वो अपने सुपरवाइजर को कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या सबको अपने बोनस की पड़ी होती है, उनको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे तो कोई भी किसी को कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट टीम ने जब देखा ना कि अरे ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर उन्होंने बताया होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, लाइक इतना ज्यादा प्रॉफिट एक महीने में कैसे कोई बना सकता है। तो फिर व्हेन अपर मैनेजमेंट एंड बेरिंग्स बैंक लर्न व्हाट लीसन वाज एक्चुअली डूइंग इट, ठीक है, जब अपर मैनेजमेंट को पता चला कि ये लीसन क्या कर रहा था, तब तक बहुत लेट हो चुका था और ऑलरेडी काफी लॉस हो चुका था, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे, और बैंक को फोर्सफुली लिक्विडेट करना पड़ा, और ये जो कोई डच बैंक था आईएनजी का, उसने बेरिंग बैंक को एक्वायर किया, और इतना बड़ा बैंक सिर्फ डॉलर 1 पाउंड के, सिर्फ 1 पाउंड 1 पाउंड के इस पे एक रोग ट्रेडर की वजह से किसी और बैंक को मतलब किसी और बैंक को उसे एक्वायर करना पड़ा। समझ में आई मेरी बात? अब इसके क्या लेसन लर्न है ना, वो यहाँ पे, व्हाट आर द एक साउंड लेसन्स। ना भेज हाँ दिया, एक साउंड ना भेज दिया। पता नहीं यहाँ ऐसा लिख रखा है, मुझे भी नहीं पता कितने में बेचा होगा, कुछ होगा एसेट्स वैसेट्स भी होंगे ना उनके, यहाँ देखो लिखा है सोल्ड फॉर 1 पाउंड बिकॉज ऑफ रोग ट्रेडर वाज परमिटेड टू एक्ट अनचेक्ड। एक साउंड में से भेज दिया मत कर। मैं ही ले लेता, और शिवम मुझे पता नहीं है ये शॉर्ट शॉर्ट ऐसा है या नहीं, तो एक बार देखते हैं ना। हु टुक ओवर बैरिंग बैंक, हाँ देखो, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो या नहीं, मिनट यहाँ पे खुलती हूँ। देखो यह क्या लिखा है, डच बैंक आईएनजी ग्रुप परचेस्ड बेरिंग्स बैंक इन 1995 फॉर अ नॉमिनल सम ऑफ 1 पाउंड, देख लिया, देख लिया, समिंग ऑल ऑफ द बैंक्स लाइबिलिटीज एंड फॉर्मिंग सब्सिडियरी ऑफ आईएनजी बेरिंग्स। समझ में आया, इसलिए बोलते गफले नहीं करने चाहिए। चलो इससे क्या लेसन लर्न हुए, इफ समथिंग अपियर्स टू गुड टू बी ट्रू देन इट शुड बी क्वेश्चन, ठीक है, अगर कोई चीज, हाँ हाँ शिवम लाइबिलिटीज बहुत होगी इसलिए ऐसा हुआ ना,
इतने ज्यादा रोग ट्रेडिंग हो रही थी, कितने टाइम बाद पता चला है, किसने कब रोग ट्रेडिंग करनी चालू करी 1992 में, और इन लोगों को कब पता चला 1995 में। 3 साल में तो बहुत कुछ हो गया होगा। अब देखो, जब कोई चीज बहुत आपको अच्छी लगे ना, या फिर बहुत प्रॉफिट मिल रहा हो, तो जस्ट चेक, वहां पे चेक कर लेना कि इज इट ट्रू, या फिर क्या पीछे कुछ और तो नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम किसी को कंपेंसेशन देते, तो हम क्लॉबैक प्रोविजंस और डेफर्ड बोनसेस रखते। क्यों रखते? क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी प्रॉफिट दिख रहा है, बाद में लॉस हो जाए। फिर ऑल अमेजिंग रिजल्ट शुड बी ट्रीटेड विद अ डिग्री ऑफ स्केप्टिसिज्म। इसका मतलब क्या है? आप लो प्रॉफिट अच्छे खासे, लेकिन उसको एटलीस्ट एक थोड़ा सा चेक तो रखो। इफ प्रॉफिट्स अपीयर टू बी इधर ओवरसाइज और स्ट्रेंजली कंसिस्टेंट, देन स्क्रूटिनी इज नीडेड टू इंश्योर दैट बुक्स आर इधर बीइंग केप्ट करेक्टली। ठीक है, मतलब जो भी आपके अकाउंट्स की बुक है ना, उसको तो चेक करना कि हाँ भाई ये सही है या सही नहीं है, या अकाउंटिंग के जो रूल्स है सब फॉलो हुए नहीं हुए। और ये देखो, ये मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे तो एमसीक्यू बनता है। देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, एंड देन बैक ऑफिस शुड नेवर बी कंट्रोल्ड बाय फ्रंट ऑफिस मेंबर्स। समझ में आई? क्योंकि ये दोनों चला रहे थे, इसलिए ये इतना बड़ा लॉस कर पाया। अभी एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा केस समझ में आ गया है ना? चलो अभी एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ लेसन दैट रिस्क मैनेजर शुड लर्न फ्रॉम LTCM केस स्टडी। शॉर्ट टर्म वार पैरामीटर्स आर ऑलवेज बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट टूल। ये सही है क्या? पहले ही रॉन्ग है। तो हमें आंसर पहले ही पढ़ के मिल गया। ठीक है, तो आई थिंक ये तीन तो, ये क्या, ये पढ़ के ही पता चल गया क्या है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट अ स्टेप दैट कुड प्रिवेंट अ रोग ट्रेडर फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग एन इंटायर बिजनेस। ठीक है, ऐसी कौन सी स्टेप्स है जो नहीं लेंगे तो फिर, मतलब जो नॉट अ स्टेप, मतलब ऐसी कौन सी स्टेप नहीं है जो प्रिवेंट नहीं कर सकती। ठीक है, सबसे पहले है मेंटेन अ सेपरेशन बिटवीन बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस, ये तो रखना ही पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ट्रीट ऑल एक्सपेक्टेशंस बीटिंग रिजल्ट्स विद अ डिग्री ऑफ हेल्दी स्केप्टिज्म, ये भी राइट है। मॉनिटर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स दैट आर रिपोर्टेड टू बी कंसिस्टेंट ओवर टाइम, अगर बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो वी नीड टू चेक इट। फिर मेजर ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट ओवर अ टेन्योर ऑफ द ट्रेड, ये सही है क्या? हमेशा ही चेक करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि शॉर्ट पीरियड में चेक करेंगे फिर। सो दिस इज द रॉन्ग वन। ठीक है, अभी कल ये हो गया, आज का तो क्लास एंड करूंगी मैं अभी। कल का कितनी देर की क्लास रखनी? कल देखो, कल थर्ड पार्ट है, कल हो ही जाएगा आई थिंक। कल भी मैं 1.5 या 1.5 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास में खत्म कर दूंगी। कल 6 to 7:30 रखनी पड़ेगी। 6:30 रख लो कल, 6:30 to 8 चलेगा? यस शिवम चलेगा 6:30 to 8? ठीक है, चलो फिर अभी क्लास एंड करते। ओके, चलो बाय।